हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विलियम। और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 18 बॉडी फ्लूइड एट इट्स सर्कुलेशन, जिसमें आज हम लास्ट ईयर क्वेश्चन करेंगे, जितने भी हम टॉपिक कवर कर चुके हैं और कुछ डाउट होता है उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे और लास्ट ईयर क्वेश्चन करेंगे और एनसीईआरटी का जो भी इम्पोर्टेंट लाइन है उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा स्ट्रॉ कलर होता है, विस्कस फ्लूइड है जो 55% हमारे ब्लड में प्रेजेंट रहता है, जिसमें 90-90% क्या होता है उसमें वाटर प्रेजेंट होता है, और जिसमें जो 6% होता है उसमें क्या है प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। 3 types ऑफ प्रोटीन रहते हैं, फिब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन और एल्ब्यूमिन। तो देखते हैं, यही क्वेश्चंस करते हैं। ठीक, जहाँ जो आएगा वहाँ साथ में हम क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे। तो देखो, ये क्वेश्चन है मैच ऑफ द फॉलोइंग है। ठीक है, अब फिब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन, ये 3 types ऑफ प्लाज्मा है। तो फिब्रिनोजन क्या होते हैं? फिब्रिनोजन ब्लड क्लॉटिंग का हेल्प करते हैं। ये सारे फंक्शंस हैं, क्वेश्चन करोगे याद होते जाएगा। ग्लोब्यूलिन क्या है? डिफेंस मैकेनिज्म है। और एल्ब्यूमिन क्या है? ऑस्मोटिक बैलेंस है। तो यहाँ पर एक तरीका है आपको जल्दी आंसर करने का, आप कई लोग तो जानते भी होंगे। तो जैसे कि ए है ऑप्शन ना, तो एक ऑप्शन 2 है, तो हम लोग देखते हैं, फाइंड आउट करते हैं कौन से ऑप्शन में ए 2 है। इसमें तो ये नहीं हो सकता, ए पॉसिबल नहीं है, बी भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि ए 1 है, सी भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि ए 3 है, तो डी ही पॉसिबल है। ऐसे एलिमिनेट करोगे तो क्वेश्चन जल्दी होगा। आई होप आप लोगों को प्लाज्मा का समझ में आ गया होगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन, हम लोग ब्लड, ब्लड क्या होता है? ब्लड एक स्पेशल कनेक्टिव जिसमें फ्लूड, मैट्रिक्स, प्लाज्मा, WBC, RBC सारे प्रेजेंट रहते हैं। वही सेम क्वेश्चन पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ब्लड, ब्लड क्या है? प्लाज्मा का, RBC का, WBC, प्लेटलेट का कॉम्बिनेशन से है। ठीक है, आई होप आप लोगों का प्लाज्मा रिवाइज हो गया, हमारा ब्लड रिवाइज हो गया, साथ साथ हमने क्वेश्चन भी फिनिश कर लिया। अब चलते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट में। फॉर्म्ड एलिमेंट में हमने 3 types पढ़े, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट्स। अब एरिथ्रोसाइट में इसको साथ साथ हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो ताकि डिफरेंशिएट करोगे प्रॉपर समझ में जल्दी होता है, डिफरेंशिएट करके पढ़ना चाहिए कुछ भी चीज़ को। ठीक है, दैट इज RBC एंड दैट इज WBC। ठीक है, लाइफ स्पैन इसका कैसे रहता है? 120 days। ठीक है, इसका कितना होता है? फ्यू डेज। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? बोन मैरो से। इसका भी फॉर्मेशन बोन मैरो से ही होता है, बट मैं आप लोगों को बताई थी कि कैसे होता है। ठीक है, तो ये बोन है। ठीक है, इस जगह में RBM होता है, RBM मतलब रेड बोन मैरो। ठीक है, और यहाँ भी सेम बोन का स्ट्रक्चर है, तो यहाँ रेड बोन मैरो होता है मगर यहाँ पर वाइट बोन मैरो होता है। ठीक है, बोन मैरो होता है, लेकिन इसमें एक साथ में एक और कर लेते हैं क्या, थ्रोम्बोसाइट और लिम्फोसाइट, सॉरी थ्रोम्बोसाइट नहीं ना, वो लिम्फोसाइट में कितने 2 types से होते हैं ना, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। जो बी लिम्फोसाइट है वो तो बोन में ही हो जाता है, लेकिन जो टी लिम्फोसाइट होता है ना वो जो बोन मैरो से ही होता है, उसका फॉर्मेशन बोन मैरो से ही है, लेकिन वो वहाँ से निकाल कर जो एक थाइमस ग्लैंड होता है उस प्लेस में आकर जो टी लिम्फोसाइट है वो वर्क करता है। ठीक है, अब इसका काउंट, ठीक है, RBC का नॉर्मल काउंट है 5 to 5.5 million और RBC का काउंट कितना होता है? 6000 to 8000। ठीक, और कौन सा, उसके बाद हम पढ़ते हैं
इतना तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इतना इन लोगों को डिफ्रेंशिएट करना है। आरबीसी में मेनली क्या होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। मैं इसको ऑलरेडी आप लोगों को पूरा डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ, अगर आप लोग को डिटेल में देख लें तो वहाँ पर देख लेना, क्योंकि जो आरबीसी का फॉर्मेशन है वहाँ पर मैं आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से बताई। यहाँ मैं उसको पूरा फिर डिटेल में नहीं बता सकती, क्योंकि यहाँ हम लोगों को सिर्फ रिवाइज करना है, क्वेश्चन आंसर करना है। तो आप देखना चाहते हो तो आप उस वीडियो में जाके देख सकते हो जिसमें मैं आप लोगों को पूरा फॉर्मेशन बताई थी, ठीक है। और कुछ ट्रिक्स हैं उसको भी आप लोग याद कर लेना। तो जो ल्यूकोसाइट का, जो मैं यहाँ पर मैं आप लोगों को एक का फंक्शन नहीं बताऊंगी, बस आप लोगों को ये बताऊंगी कि उसका काउंट, ठीक है। तो जो WBC में अगर याद करना है, जैसे न्यूट्रोफाइल्स हो गया, मोनोसाइट, बेसिलोफिल्स और टी लिम्फोसाइट, ये सब याद करने का एक तरीका बताई थी, वो है नल मैग, ठीक है। सबसे बड़ा न्यूट्रोफाइल्स है, लिम्फोसाइट है, मोनोसाइट है, ए मीन्स एसिडोफाइल्स है, इसिनोफिल्स भी बोल सकते हैं, बी है बेसोफाइल्स। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स क्या है, थ्रोम्बोसाइट है, यह सेल का टुकड़ा है, इसका अकाउंट कितना होना चाहिए, 1.5 लाख से 3.5 लाख तक होना चाहिए। और इसका सबसे ज्यादा वर्क क्या होता है, क्लॉटिंग फैक्टर के लिए ये। चलो इसके बाद हम लोग चलते हैं ब्लड ग्रुप में। ब्लड ग्रुप जिसमें हम लोग ने क्या क्या पढ़े थे, AB, AB, O, ठीक है, सब जानते हो AB O ब्लड ग्रुप ही होता है। और उसमें एक एक्स्ट्रा ब्लड ग्रुप होता है, वो है RH। RH क्या है, रिसेस मंकी, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग क्या देखेंगे, क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। देखो, जो पेशेंट विद ब्लड ग्रुप AB इज कंसिडर्ड एज अ यूनिवर्सल रेसिपिएंट बिकॉज ही हैज। अब जो AB ब्लड ग्रुप है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, क्यों, ये सारे ब्लड ग्रुप को एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। तो अब इसका हम लोग देखेंगे, NCERT का लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब देखो, एक एक लाइन जो रहता है ना वो इम्पॉर्टेंट रहते हैं, जैसे कि नो एंटीजन्स ऑन RBC, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। नो एंटीबॉडी इन द प्लाज्मा, बोथ AB एंटीजन्स इन द प्लाज्मा बट नो एंटीबॉडीज, ये भी पॉसिबल नहीं। बोथ एंटीजन्स प्रेजेंट होता है AB, किसमें, AB ब्लड ग्रुप में, ऑन RBC ना, प्लाज्मा में नहीं, ऑन RBC, लेकिन कुछ भी एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं होता है ऑन द प्लाज्मा। होप गाइस समझ में आ गया होगा, ब्लड ग्रुप में हम यही पढ़ेंगे। और कुछ डाउट आता है इस रेसियस ग्रुपिंग में, क्या होता है इसमें, कि इसमें कुछ डाउट आया था कि बोलते हैं जैसे कि RH पॉजिटिव पर्सन है, ठीक है, तो जो RH पॉजिटिव पर्सन है वो कोई भी ब्लड ग्रुप एक्सेप्ट कर सकते हैं, हाँ, वो कोई भी या पॉजिटिव ले सकता है, आइदर निगेटिव ले सकता है। लेकिन जो RH निगेटिव है वो पर्सन RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अगर गलती से भी हम उसमें RH पॉजिटिव कर डाल दिए तो पहले बार में तो कुछ नहीं होगा, पहले बार में थोड़ा सा एंटीबॉडीज बनाने स्टार्ट कर देगा, लेकिन जब बार बार हम देंगे तो पर्सन में भी डाई, ठीक है। तो जो RH निगेटिव होता है उनको RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप नहीं देना चाहिए। तो उसके बाद हम आते हैं कोगुलेशन ऑफ ब्लड, ठीक है। तो कोगुलेशन ऑफ ब्लड में यहाँ तो ज़्यादा कुछ नहीं, इसको ऑलरेडी मैं डिटेल में आप लोगों को बता चुकी हूँ। सर्कुलेटरी पाथवे, इसमें से क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं, कि इसमें जो क्वेश्चन बन सकता है वो है, सपोज जैसे कि गिल्स वाले में है हम, फिश वाले में, तो उसमें का जो क्वेश्चंस है वो बन सकता है कि पहले देखो हार्ट में जाते हैं, उसके बाद किस में जाता है, हमारे गिल्स में, गिल्स देन बॉडी देन फिर हार्ट में जाता है। और ये सिंगल सर्कुलेशन है, एक ही बार होता है, ये इसका सीक्वेंस है, ठीक है गाइस। उसके बाद इसको हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और इसमें क्रोकोडाइल्स में एक्सेप्शन रहता है कि उसी में बस प्रेजेंट होता है,
ठीक है गाइस, तो फिर चलते हैं हम लोग। और ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में जो इम्पोर्टेंट है वो है फोर चैम्बर हार्ट, टू वेंट्रिकल्स होते हैं, टू आर्ट्रिया होता है, ठीक है। और इसमें से जो बेसिकली क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा डीऑक्सीजनेटेड होता है, कौन सा ऑक्सीजनेटेड एक्सेप्ट करता है, तो जो आर्ट्रिया रहता है वो रिसीव करने का काम करता है ब्लड को, और जो